नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मैथ क्लासेस में। और आज के सामने फिर से एक नया वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का टॉपिक है बहुपद के गुणा। आपने संख्याओं के गुणा करे होंगे, संख्याओं के गुणा आपको आते भी होंगे, कुछ को ये वाले भी आते होंगे, तो मैंने इनके लिए एक वीडियो बनाया है जिनको नहीं आते हैं। तो देखिए, आज मैंने लिया है बहुपद के गुणा। तो आप संख्याओं के गुणा जैसे करते हैं वैसे ही ये हैं, कुछ इनमें थोड़ा सा अलग है। तो देखिए किस तरीके से, आप पहले थोड़ा बेसिक देख लीजिए क्या है इसके बारे में। देख, गुणा में हमें देख क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि x गुणा x आपके पास में ये लिखा है, तो आपको क्या करना है कि जो आपके बेस हैं इस तरीके, जैसे आपके मान लीजिए एक्स स्क्वायर है या तीन है, तो ये x है, ये भी x है। तो क्या करना है आपको, जो बेस है अगर वो सेम हो तो आपको पावर को एड कर देना है। क्या करना है, ये बेस है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक्स क्यूब, ऊपर वाले का पावर यानी कि घात बोलेंगे और नीचे आपका क्या है, बेस है। ये आपका इस तरीके से लिखा होता है। तो आपको क्या करना है इसमें, अगर आपके जो बेस सेम हो तो उसमें क्या होता है कि जो पावर है वो ऐड हो जाती है। जैसे एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब, तो देखिए x आएगा तो पावर को ऐड कर देंगे, तीन हो तो कितने हो गए, पांच। अगर आपके पास मान लीजिए एक्स गुणा वाई है, तो ये तो अलग अलग वेरिएबल है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स वाई। इस तरीके से आपको इन्हें लिखना है। जैसे आपके पास में लिखा है वाई जेड गुणा वाई जेड, तो देखिए इसमें दो है, वाई और जेड है, वाई जेड है, तो वाई का वाई से कर लेंगे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। और जेड का आप जेड से करेंगे तो जेड स्क्वायर, बीच में ये मल्टीप्लाई है ही है। तो इस तरीके से आपको इनको गुणा करना है। तो देखिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपको ये दिया गया टू एक्स वाई गुणा 4xy, 2xy गुणा 4xy। सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या अगर दी है तो संख्याओं को आप संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ 4 है तो 4 का किससे करेंगे, 2 से, तो 4 दूनी 8। अब आप देखिए एक x है, एक x यानी x गुणा x करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। फिर आपके पास y है तो एक y यहाँ, एक y यहाँ है, तो y स्क्वायर। इस तरीके से आपको इन्हें हल करना है। आगे देखिए, जैसे ये दिया है 3x स्क्वायर वाई गुणा 4x क्यूब वाई, तो पहली संख्या करिए आप, 4 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब ये x स्क्वायर है और ये x की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 और 3 5। उसके साथ में y है, तो यहाँ y की पावर 1 या y की पावर 1, क्या हो जाएगा, y की पावर 2। आगे देखिए, जैसे माइनस 8y स्क्वायर जेड गुणा माइनस 6x वाई स्क्वायर, संख्या का आप संख्या से करेंगे, देखिए माइनस का माइनस करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी माइनस माइनस प्लस। तो अब 6 का 8 से करिए कितना हो जाएगा, 6 अट्ठे 48। फिर देखिए ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, आपको दोनों में देखना है कि दोनों वेरिएबल हैं कि नहीं। अगर हो तो आप इस तरीके से उन्हें जोड़ लीजिए, जैसे कि वाई स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर से कर रहे हैं तो जो पावर है आप उन्हें जोड़ दीजिए, तो वाई का वाई से करेंगे, देखिए वाई और यहाँ क्या है, 2 ऊपर और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 और 2 4। आगे देखिए फिर क्या वेरिएबल है आपका, जेड है, जेड है या नहीं है तो जेड रख देंगे। आगे देखिए यहाँ एक्स है और कोई एक्स नहीं है तो एक्स आ जाएगा, तो जाएगा आपका 48 वाई की पावर 4 जेड एक्स। यहाँ देखिए, देखो इसमें क्या करना है आपको, इस कोष्टक में एक्स प्लस वाई है और दूसरे कोष्टक में 2x स्क्वायर प्लस वाई है, तो इसमें क्या करना है, वैसे ही गुणा करने हैं। देखो सबसे पहले आप एक्स की गुणा इससे करो, फिर एक्स की इससे करो, यानी पहले वाला यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी गुणा पहले आप दोनों से करो, फिर उसके बाद में फिर वाई का, फिर दोनों से करेंगे, बारी बारी से आपको गुणा करने हैं। पहले आप किसका करेंगे, एक्स की गुणा इससे करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या है, 2x स्क्वायर, तो 2 तो आगे आ जाएगा और एक्स यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 और जो यहाँ साइन है वो लगा लीजिए, अब कितना है, प्लस प्लस साइन है। अब एक्स की गुणा आप किससे करेंगे, आप वाई से, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, इसकी गुणा दोनों से होगी प्लस, फिर आपको इसकी गुणा दोनों से करनी है, तो क्या यहाँ पे इसकी गुणा किससे करेंगे, तो 2 आ जाएगा, यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो आप इसका गुणा किससे करेंगे, तो 2x स्क्वायर, ये क्या है, y, प्लस लगाइए क्योंकि प्लस का साइन है। फिर y की गुणा आप किससे करेंगे, y से, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। अब आपको देखना है यानी किसको हम जोड़ सकते हैं, तो जोड़ने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको पावर देखनी है, किसकी पावर, जैसे यहाँ क्या है, एक्स क्यूब है, तो यहाँ एक्स क्यूब वाला टर्म कोई है या नहीं है, नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे 2x क्यूब, जो साइन है वो लगाइए। फिर देखिए अब क्या है, एक्स वाई, यानी कि आपको सबसे पहले बड़ी पावर देखनी है, कैसी बड़ी, तो देखिए बड़ी पावर हमारे पास में ये आ गई, इसका ऐसा कोई टर्म और नहीं है,
फिर देखिए तीन पावर है, दो वाला पावर ये वाला हो गया, इसे लिखिए आप प्लस दो एक्स स्क्वायर और वाई, क्योंकि ऐसा और कोई नहीं है। फिर देखिए प्लस, फिर और कौन है, ये वाला आपका वाई स्क्वायर, फिर क्या बचा सिंगल पावर वाले एक्स वाई। तो क्या क्या करना आपको इसमें, गुणा करने के बाद में आपको देखना है कि बड़ी पावर वाला लिखिए, फिर उससे छोटी पावर वाला, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और अगर आप जैसे यहाँ एक्स क्यू है, एक्स क्यू वाला कोई और टर्म है तो आप उसे जोड़ सकते हैं, इनको इसमें नहीं जोड़ सकते। यानी सेम वेरिएबल जिन्हें हम हिंदी में सजातीय और अजातीय पद कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपने जोड़ी। अब आगे ये इतना ही आंसर रहेगा। इसको देखिए, जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है गुणा यानी मल्टीप्लाई है इस संख्या का, पूरी इन संख्याओं में मल्टीप्लाई, जितने भी टर्म है समय मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो देखिए बारी बारी से करेंगे, एक्स स्क्वायर का आप एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो यहाँ दो है, ये कितने होगी एक्स की पावर चार, चिन्ह क्या है प्लस का लगाइए। एक्स स्क्वायर का आप वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर क्या है माइनस। अब आप इसका इससे करेंगे तो देखिए पहले दो आ जाएगा दो, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स की पावर चार, ये पीछे क्या है वाई। अब आप देखिए कोई जोड़ने वाला तो है नहीं इसमें, क्योंकि सब टर्म अलग अलग हैं। हाँ देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर फोर, और ये एक्स स्क्वायर वाई और माइनस के टू एक्स की पावर फोर वाई, ये आपका आंसर हो गया। आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस तीन वाई और फोर एक्स प्लस वाई, तो जिस तरीके से आपने इसे ही करा था इसको भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, यानी एक्स स्क्वायर की पहले दोनों से गुणा, फिर इसकी दोनों से गुणा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए फोर ये आ गया और एक्स स्क्वायर ये है और एक्स ये है, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू प्लस का साइन, फिर आप इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर क्या है हम देखिए अब इसकी गुणा दोनों से करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस तीन चौक बारह, ये क्या आपका वाई और एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस, फिर आप इसकी गुणा इससे करेंगे तो तीन आ जाएगा और यहाँ वाई है यहाँ वाई है तो वाई स्क्वायर। देखिए आप कोई सेम टर्म है क्या नहीं है, यानी कि सेम वेरिएबल का है, एक्स क्यू है तो कोई एक्स क्यू का टर्म यहाँ नहीं है, तो ये ऐसे कैसे रहेगा फोर एक्स क्यू। आगे देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई है ऐसा कोई टर्म है नहीं है, तो प्लस ऐसे कैसे रह दीजिए प्लस, अब आप इसे लिख दीजिए एस प्लस टू एक्स वाई, ये आपका आंसर हुआ। यानी इनको आपको गुणा करने के बाद में हम जब जोड़ या घटाव करते हैं तो जो आपके जो वेरिएबल जो निकल के आए हैं उनका आपको पावर के घटते क्रम में लिखिए या फिर उन्हें बढ़ते क्रम में, यानी कि एक आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे पहले आप सबसे बड़ी पावर वाला लिखिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस सिक्वेंस में आपको इन्हें रखना होता है। तो ये आपकी समझ अच्छी तरीके से आ गए होंगे, ये बहुपद वाले गुणांक हैं, और इससे पहले ही मैंने कुछ गुणांक अब इस करा दिए हैं, गुणा वाले वीडियो पहले भी इस पे डले हुए हैं।